Hi, dear students. How are you all? I am your teacher, grade 5. Subject Social Studies. Now, let's start reading of Unit 1 World Geography, Lesson 1 Maps. A map is a drawing made to show. सम एरिया ऑफ द अर्थ दिस एरिया कैन बी द लैंड और द सी और बोथ अ मैप इज नॉट द सेम एज अ फोटोग्राफ कागज पर बनाए गए जमीन के किसी बड़े या छोटे हिस्से के खाका या रिवाजी तस्वीर को नक्शा कहा जाता है नक्शा दरअसल जमीन की सतह या उसके किसी एक हिस्से का अक्स होता है नक्शा किसी तस्वीर की सेम कॉपी नहीं होता है ये सिर्फ उसका अक्स होता है जो कि हमने उसको एक खाके की मदद से बनाया गया है इट शोज एस वेयर वन प्लेस इज इन रिलेशन टू अनदर प्लेस इट शोज एस वेयर वन प्लेस इज इन रिलेशन टू अनदर प्लेस इससे हमें ये पता चलता है कि कोई खास मकाम या जगह कहा वाक है या उसका उस जगह से क्या ताल्लुक है वो कहा मौजूद है देर आर मैनी काइंड ऑफ मैप्स यहां पर कुछ नक्शे की अकसाम बयान की गई हैं दिस इज आ फिजिकल मैप इट शोज हिल्स माउंटेन्स रिवर्स वैलीज एंड अदर लैंडफॉर्म्स ये फिजिकल मैप है तबई नक्शे इसके जरिए किसी भी इलाके के तबी हालात मसलन पहाड़ सतह मुरतफ़ा मैदान वगैरह का बखूबी जायजा लिया जा सकता है दिस इज अ पोलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव मैप इट शोज टाउन्स, सिटीज एंड बॉर्डर्स बिटवीन कंट्रीज ये सियासी नक्शे हैं इसके जरिए मुख्त इलाकों के सही मकाम और हदूद वगैरह की निशानदही की जा सकती है फिजिकल मैप पोलिटिकल मैप दिस इज अ रिलीफ मैप इट शोज द हाइट ऑफ हिल्स एंड माउंटेन्स विद लाइन्स ड्रॉन टू शो हाइट इन मीटर्स ये रिलीफ मैप्स हैं रिलीफ मैप्स के जरिए जो हिल्स एंड माउंटेन्स हैं उनकी जो हाइट है उनको मीटर्स में दिखाया जा, जाता है ये देखिए Indus, 100, 200, 300, Ravi, Jehalam, Chanaab, Satlaj. When we look at a map, we do not talk about left and right or up and down. जब हम किसी नक्शे को देखते हैं तो हम उसे ये नहीं कहते हैं कि ये ऊपर है ये नीचे है ये दाएं है या बाएं है वी यूज द वर्ड्स नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट दिज आर कॉल्ड कम्पास डायरेक्शन हम ऐसे अल्फाज का कर इस्तेमाल करते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट और इन्हें हम कुतबी सिमते कहते हैं कंपास डायरेक्शन एज द अर्थ इज आ स्फियर सो इट इज नॉट ईजी टू शो द सरफ़ेस इन अ फ्लैट ड्राइंग अ ग्लोब शोज द अर्थ एज आ स्फियर हमारी जमीन गोल है गोलाई में है इसलिए नक्शे पर यह गोलाई बनाना और इसको शो करना बहुत आसान नहीं है कि एक सिंपल और फ्लैट ड्राइंग की तरह इसको बना दिया जाए ये एक मुश्किल काम है और ये इसको नक्शे को गोलाई में बनाना और इस पर इलामत जाहिर करना और इस पर कंट्रीज हिल्स माउंटेन रिवर्स इन सब की इलामत को जाहिर करना एक मुश्किल काम है और एक नक्शा ही ये जाहिर करता है ये दिखाता है कि ज़मीन गोल है नक्शे का इस्तेमाल क्यों करते हैं हमारी ज़मीन बहुत बड़ी है इसकी शक्ल कैसी है हम इस पर कहाँ रहते हैं जहाँ हम रहते हैं वो जगह कैसी है हमारे इर्द गिर्द मकाम किस किस्म के हैं और हमारा इन मकाम से क्या ताल्लुक़ है इन तमाम सवालात का जवाब देने के लिए हमें नक्शे की ज़रूरत होती है I hope you understand today's topic. Now, note your homework. Topic Maps. Question number one What information would you find on a physical map? And the answer is information about mountains, rivers, valleys, and other landforms are found on a Physical map. Question number two What information would you find on a political map? Answer On political map, we get the information about cities, towns, and borders between the countries. Question number three What is compass direction? We use the words north. South, East, and West. These are called compass directions. Dear students, please learn and write your homework in your notebooks. Thank you.